जुड़ के भी टूटी रही इश्क तेरी डोर पे, इसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे। तो दोस्तों इसके लिए अपने मोबाइल पर सबसे पहले वो वाला कैन मास्टर का आपको डाउनलोड कर लेना होगा। अगर अपने पास नहीं है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। जब इसको ओपन करेंगे तो देन अपने मोबाइल पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्रिएट ए न्यू पर आपको टच कर देना, देन इसके बाद बहुत सारे आपको रेशो है पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करने के लिए आपको 9:16 पर क्लिक करके देन आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना। देन इसके बाद अपने मोबाइल कुछ ऐसा पर रोटेट हो जाएंगे। तो इसके बाद अपने मोबाइल पर कुछ ऐसा देखने को मिल जाएंगे। देन यहाँ पर इमेज एसेस्ट पर क्लिक करके आपको ब्लैक कलर का इमेज आपको ले लेना है सबसे पहले। देन इसके बाद आपको इस पर टच करके आप जितना लंबी वीडियो को बनाओगे ना, अब उतना सेकंड तक इसको लंबे कर लेना। तो हमारे पे यहाँ पर मैं 15 सेकंड की वीडियो बनाऊँगी ना, तो मैं यहाँ पर 15 सेकंड में कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना, वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखना, स्किप मत करना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर मीडिया यहाँ पर दिखाई देंगे। इस वाला मीडिया पर जाके आपको जिस फोटो से स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर आपको इस फोटो को ले लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ फ़ोटो में डाउनलोड करके रखा, तो यहाँ पर मैं इस फ़ोटो को ले लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो वो वाला फ़ोटो को मैं यहाँ पर डाउनलोड करके रखा, तो मैं इसको भी ले लिया। लेने के बाद यहाँ पर और एक फ़ोटो यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर फ़ोटो लेने से पहले यहाँ पर देख सकते हो इसको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद इसको स्टार्ट लास्ट में आना है। आने के बाद आपको फिर से आना है लेयर पर और मीडिया पर क्लिक करके आपको और फोटो ले लेना जिस फोटो से आप बनाओगे। तो मैं और एक फ़ोटो यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इस फोटो को लगाया, लगाने के बाद आपको और भी एक फ़ोटो यहाँ पर लगा लेना। लास्ट में आके यहाँ पर आपको फिर से मीडिया पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मीडिया पर जाके आपको और एक बेस्ट फ़ोटो लेना है, ले लेना है। तो मैं आपको और एक फ़ोटो यहाँ पर लेकर बताया, तो मैं यहाँ पर देख सकते हो कौन से लेंगे, वो वाला ले लेता हूँ। लेने के बाद देख सकते हो मैं 3 फ़ोटो ले लिया। लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करके इसको थोड़ा सा छोटा कर देना। करने के बाद सेकेंड पर क्लिक करके इसको आपको क्या करना है, उतना तक आपको छोड़ देना। करने के बाद इसको भी थोड़ा सा हल्का छोटा कर देना। दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखना तब भी आप बना सकते हो। तो इसको भी आपको लास्ट तक ले यहाँ पर देख सकते हो, बीच में यहाँ पर उसको छोड़ देना और इसको भी थोड़ा सा हल्का छोटा कर देना ताकि और एक फ़ोटो यहाँ पर बिटे। तो यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करके लेयर पर देख सकते हो, लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर जाना है, तो आपको और भी एक बेस्ट फ़ोटो ले लेना है। तो यहाँ पर और एक मैं फ़ोटो ले लेता हूँ बेस्ट सा। तो यहाँ पर इस फ़ोटो को मैं लिया और लेने के बाद इस फ़ोटो को मैं यहाँ पर देख सकते हैं उठना तक मैं इसको कट करेंगे। ट्रिम टू स्प्लिट पर जाकर ट्रिम टू राइट करना तो कट हो जाएंगे। होने के बाद यहाँ पर स्टार्टिंग पे आना और फोटो पर क्लिक करना और इसको आपको ऊपर साइड में रख के यहाँ पर देख सकते हो इसको आपको फुल स्क्रीन कर देना। यहाँ पर फुल स्क्रीन आपको करना और आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको रखना है। रखने के बाद आपको इस चाबी वाला ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इस पर क्लिक करके अपने फिंगर से आराम से आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको ऐसे करके लेके जाना है। सेकेंड वाला फ़ोटो पर आपको क्लिक करके सेकेंड वाला फ़ोटो देख सकते हैं, सेकेंड फ़ोटो को भी फुल स्क्रीन आपको कर देना। जैसे कि यहाँ पर मैं इस फ़ोटो को भी फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तो आप आराम से फ़ोटो को फुल स्क्रीन करके इसको भी हमें मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में रखा हूँ। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसे चाबी पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको लास्ट तक आना है। आने के बाद इस फ़ोटो को पकड़ के आपको राइट साइड में आराम से आपको उतना तक आपको छोड़ देना है। तो दोस्तों छोड़ने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड फ़ोटो पर क्लिक करके देख सकते हो, इसे थर्ड फ़ोटो पर आपको क्लिक करके इसको भी आपको फुल स्क्रीन करना होगा। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा हल्का ऊपर करना फ़ोटो को और इसे यहाँ पर देख सकते हो इसे चाबी पर क्लिक करके यहाँ पर इसको भी आपको लास्ट तक कर देना है। करने के बाद इस फोटो को अभी आपको लेफ्ट साइड में आराम से लेके आना है, देख सकते हो उतना तक छोड़ना है। छोड़ने के बाद आपको लास्ट जो फ़ोटो इसको भी इसे सेम टू सेम क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना। जैसे मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ और इसको भी आपको लेफ्ट साइड में इसको रखना है।
देख सकते हो। इसको उतना तक रखने के बाद इसे चाबी वाला ऑप्शन पर टच करके इसको आपको जितना तक ब्लैक कलर का इमेज उतना तक छोड़ना है। करने के बाद अभी इसको राइट साइड में आराम से आपको इसको छोड़ देना है। करने के बाद दोस्तों अभी अपना जो वीडियो यहाँ पर देख सकते हो, मैं स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ। कुछ उस टाइप से अपना वीडियो बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पर और भी यहाँ पर ट्रिक लगाना होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है आगे आपको मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग पे आ जाना, आने के बाद आपको लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट वीडियो लगाना होगा। जितना भी मैं टेम्पलेट यूज़ करेंगे ना दोस्तों, सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसको भी यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस पर आपको टच करना और यहाँ पर आपको ढूंढना होगा ब्लेंडिंग। इसे ब्लेंडिंग पर क्लिक करके आपको ढूंढना होगा स्क्रीन। इस स्क्रीन पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद दोस्तों आपको कट करके आ जाना है और यहाँ पर आपको ढूंढना होगा, यहाँ पर देख सकते हो स्प्लिट स्क्रीन। इस पर क्लिक करके व्हाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन सेट हो चुका है, तो इसको कट करना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिक्सर पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद आपको इसका साउंड म्यूट कर देना, वरना अपने वीडियो पर वो वाला साउंड भी आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसको म्यूट करना, ठीक है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर फिर से कट करके आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देना, देन यहाँ पर फिर से और भी एक टेम्पलेट में लगा देता हूँ। तो इसका भी लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। जितना भी मैं टेम्पलेट यूज़ करता हूँ ना, सबका लिंक आपको मिल जाएंगे आसानी से। आप भी डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल पर अब यूज़ कर सकते हो कोई सा भी वीडियो पर। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसको मैं ढूंढ कर पहले लगाता हूँ। तो यहाँ पर वो वाला है, देख सकते हो यहाँ पर, और एक था इसको भी मैं वो वाला टेम्पलेट था, तो इसको भी मैं यहाँ पर लाया। लाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको फिर से ढूंढना होगा इसका ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग पर देखिए, इसको यहाँ पर स्क्रीन फिर से कर देना है। कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसका भी आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना। बड़ा करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे आने के बाद इसको उतना तक आपको छोड़ देना। छोड़ने के बाद यहाँ पर वो यहाँ पर लग चुका है। लगने के बाद आपको क्या करना है, इसको बैग आ जाना है दोस्तों। बैग आने के बाद इसका मिक्सर पर तक इसका साउंड को कर देना म्यूट। देख सकते हो इसका साउंड, आप जब म्यूट करेंगे ना तो इसका साउंड आपको अलग से सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसके बाद बाकी का जो पार्ट है ना, इसको कट कर देना है। ट्रिम टू राइट पर जाके इसको ट्रिम टू राइट करना और इसको भी क्लिक करके स्प्लिट स्क्रीन पर जाके ट्रिम टू राइट करना। तो यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर है कि नहीं देखता हूँ, तो इस फोटो का जो यहाँ पर अलग से पार्ट में कट कर देता हूँ ताकि बकवास वीडियो ना बने। तो यहाँ पर उतना तक हो चुका है। तो दोस्तों होने के बाद अपना वीडियो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अभी सॉन्ग को लगाना होगा, तो सॉन्ग को मैं लगा कर आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो वो वाला ब्लैक शेडो भी आपका लगाना होगा। यहाँ पर देख सकते हो वो वाला ब्लैक शेडो, इसको यहाँ पर मैं ऐड किया, तो आपको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप भी इसको लगा लीजिएगा उतना तक आपको रखने के बाद यहाँ पर मैं लिरिक्स वीडियो को भी ऐड किया, तो इसको भी सबसे पहले इसका बराबर कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर जो लिरिक्स वीडियो, इसका जो बाकी का पार्ट है, मैं इसको कट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर बाद में दिक्कत ना हो। तो इसका भी बाकी का पार्ट में इसको ट्रिम टू स्प्लिट पर जाकर ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों देखिएगा, करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो, आपको स्टार्टिंग पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर कट करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको ढूंढना होगा फिर से ब्लेंडिंग दोस्तों। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग पर आपको जाना होगा। ब्लेंडिंग पर जाके इसको करना होगा स्क्रीन, इसको स्क्रीन पर छोड़ देना। करने के बाद इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा हल्का बड़ा करना। बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पर उसको उतना तक छोड़ के पहले वीडियो को प्ले करके आपको देखना कि कोई कहाँ पर देखे वो रुकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो वो यहाँ पर देखे रुकता है। तो इसको आपको क्या करना है, उसको आप छुपा भी सकते हो, तो मैं उसको छुपा देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं इसको छुपा देता हूँ,
छुपाने के बाद यहाँ पर अपना वीडियो बन के रेडी हो चुका है। तो इसके बाद आपको लास्ट वाले कम करना लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको साइड में जो शेडो रहता है ना दोस्तों, इस शेडो को लगा लीजिएगा जिससे वीडियो और भी मस्त लगेगा दोस्तों। तो इसको भी यहाँ पर मैं डाउनलोड करके लगा, इसको भी यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, आप भी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इसको भी यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, वो वाला शेड्यू था तो इसको मैं ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको सबसे पहले फुल स्क्रीन कर देता हूँ लास्ट तक। करने के बाद यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पर टच कर देना, करने के बाद इसको वाइट कर देना तो यहाँ पर फुल लग जाएंगे। तो बैक आके आपको फिर से ढूंढना होगा ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग पर रखे फिर से आपको स्क्रीन जब करेंगे ना तो जग कहाँ से अपना वीडियो पूरी तरीके से बन के रेडी है। तो मैं एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ किस टाइप की वीडियो आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ और मैं प्ले करके आपको सुना देता हूँ।